सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास हेलो फ्रेंड्स आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखे आपके सारे डाउट्स सेवन आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे इस वीडियो के नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी तो अगला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है चैप्टर नंबर सेवन ऑल्टरनेटिव करंट का तो बेसिकली दो टाइप्स के करंट होते हैं फर्स्ट ए एंड दूसरा जो करंट है वो है डी सी राइट एसी का जो फुल फॉर्म है वो है बेसिकली ऑल्टरनेटिंग करंट एंड जो करंट का फुल फॉर्म है वो बेसिकली होगा डायरेक्ट करंट अब नाम के हिसाब से जो ऑल्टरनेटिव करंट है ऑल्टरनेटिव करंट मतलब कि इट इज अ वेरिंग करंट राइट यहाँ पर वो वेरी करेगा एंड डायरेक्ट करंट मतलब कि इज इट इज़ ए कॉन्स्टेंट यहाँ पर उसकी जो वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट रहेगी अब ये जो ऑल्टरनेटिव करंट है वो कैसे वेरी करेगा तो वो हारमोनिक फंक्शन के हिसाब से वेरिंग करेगा राइट right? तो बेसिकली करंट के हिसाब से वोल्टेज भी यहाँ पर चेंज होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ए सी वॉल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज राइट तो ए सी में फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो पर्टिकुलर सिग्नल दो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच चेंज होता रहेगा इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करंट जो कि कांस्टेंट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट राइट अब उसके एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो डीसी करंट के एग्जाम्पल्स में पहले जो भी सेल्स से चलने वाले राइट right? जो भी डिवाइसिस है वो डी करंट में आते हैं राइट right? जैसे कि रिमोट है कुछ रेडियोज़ होते हैं राइट और ए सी करंट मतलब कि रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर में हम लोग जो करंट यूज़ करेंगे उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं ए सी करंट रेफ्रिजरेटर है फिर यहाँ पर ओवन हो गया राइट फैन हो गया लाइट हो गई तो ये सारे ए सी सप्लाई की वजह से चलने वाले डिवाइसेस है और डी सी मतलब कि रिमोट कंट्रोल है फिर जितने भी सेल से चलने वाले डिवाइस हैं वो सारे यहाँ पर डी आएंगे राइट जैसे कि यहाँ पर मोबाइल है उसमें भी डी यूज़ होगा राइट उसके बाद जो टॉयज़ होते हैं राइट उसमें भी जो सेल्स यूज़ होते हैं वो डीसी में हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पर डीसी सप्लाई यूज़ हो रहा है तो हमारा अगला टॉपिक है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर तो अब यहां पर हम लोग एसी सप्लाई बेसिकली अप्लाई कर रहे हैं एक रेजिस्टेंस को राइट right? तो वहां पर जो सप्लाई जो वोल्टेज फॉर्म है वो वोल्टेज फॉर्म एक पर्टिकुलर फॉर्मूला से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जैसे कि वी इज इक्वल टू वी एम मतलब कि मैक्सिमम वोल्टेज राइट वी एम मतलब कि मैक्सिमम वोल्टेज हम लोग इसको वोल्टेज का एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं इन टू साइन ओमेगा इन टू टी अब यहाँ पर साइन फंक्शन साइन फंक्शन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बेसिकली यहाँ पर जो सप्लाई है वो हार्मोनिकली चेंज हो रहा है और साइन मतलब कि यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो से स्टार्ट होती है क्योंकि साइन ऑलवेज ज़ीरो से स्टार्ट होता है राइट तो ये वोल्टेज की एक फॉर्मूला हुई अब यहाँ पर अगर हम लोग किर्च ऑफ का सेकेंड रूल अप्लाई करें राइट किर्च ऑफ लूप रूल तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा सिग्मा ऑफ ई एम एफ ऑफ होल सर्किट विच डिपेंड्स ऑन टाइम टी बिकम्स जीरो राइट ई एम एफ बिकम्स जीरो तो एज ए रिजल्ट हमारा जो टोटल जो सप्लाइड वोल्टेज है राइट right? उसकी फॉर्मूला अगर हम लोग लिखे तो वी एम साइन ओमेगा टी वो राइट हैंड साइड है राइट right? तो वी एम साइन ओमेगा इन टू टी इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इंटू आर फॉर्मूला होगी राइट तो अब यहाँ पर इस फॉर्मूला में हम लोग आई को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे और आई सब्जेक्ट तो आई इज इक्वल टू अब फॉर्मूला बन जाएगी वी एम साइन ओमेगा टी राइट ओमेगा इंटू टी अपॉन यहां पर आएगा रेजिस्टेंस कैपिटल आर राइट ओके अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगेन वी एम अपन आर तो वी एम अपोन आर यहां पर बेसिकली आई एम आ जाएगा मैक्सिमम करंट राइट तो आई इज इक्वल टू यहां पर आएगा आई एम साइन ओमेगा इन टू टी राइट तो ये करंट की एक फॉर्मूला हो जाएगी आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा राइट right? अब ये जो आई एम है उसके अगर हम लोग फॉर्मूला लिखे तो आई एम इज इक्वल टू वो बेसिकली होगा वी एम अपॉन कैपिटल आर राइट आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन कैपिटल आर ये बेसिकली फॉर्मूला हो जाएगी अब यहाँ पर जब कभी भी कोई भी सप्लाई रेजिस्टेंस में से फ्लो होगा राइट right? तब वहाँ पर रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई जो कि हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं जिसको हम लोग यहाँ पर जूल हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं राइट तो वो एनर्जी बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है राइट तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी में यहाँ पर वो कन्वर्जन होगा राइट तो पावर जो लॉस है उसकी फॉर्मूला देंगे कि पावर लॉस की फॉर्मूला से पहले हम लोग एक ग्राफ देखेंगे आई वर्सेस वी का तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि वी एम जो है वो आई एम पर डिपेंड है और आई एम वी एम दोनों एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट है राइट तो दोनों ही जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों एक ही टाइम पे मैक्सिमम हो रहे हैं और दोनों एक ही टाइम पे मिनिमम हो रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज और करंट दोनों ही साइन फंक्शन पे डिपेंडेंट है राइट अब हम लोग लॉस ऑफ पावर की बात करेंगे राइट तो यहां पर इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस, तो पावर डिसिपेटेड राइट तो उसकी फॉर्मूला यहां पर लिखेंगे पावर डिसिपेटेड की फॉर्मूला होगी P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर इन कैपिटल R राइट आई स्क्वेयर आर इज़ इक्वल टू अब जो आई की फॉर्मूला है वो यहां पर पुट करेंगे तो आई एम राइट स्क्वेर इन टू आर साइन स्क्वेर ओमेगा टी राइट तो ये कंप्लीट उसकी फॉर्मूला हो जाएगी पावर की अब यहां पर एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करेंगे राइट right? तो एवरेज वैल्यू पावर राइट एवरेज वैल्यू ऑफ पावर तो एवरेज वैल्यू ऑफ पावर पी एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज ऑफ आई स्क्वायर, इन टू आर राइट इज इक्वल टू अब यहां पर फिर से हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे राइट right? तो आई की आई स्क्वेयर की जो भी यहां पर फॉर्मूला है वो यहां पर अगेन लिखेंगे तो आई एम स्क्वेर राइट इनटू r आर साइन स्क्वेर ओमेगा टी राइट तो ये उसकी कंप्लीट फॉर्मूला हो जाएगी टी एंड एवरेज वैल्यू कंप्लीट तो ये एवरेज हमने लिया अब यहां पर जो भी कांस्टेंट टर्म है वो तो एवरेज से बाहर आ जाएगा तो पी बार इज इक्वल टू अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है आई एम स्क्वायर तो कांस्टेंट रहने की वजह से वो बाहर आ जाएगा एवरेज वैल्यू से आर भी कांस्टेंट है वो भी एवरेज वैल्यू से बाहर तो सिर्फ और सिर्फ एवरेज वैल्यू में यहाँ पर एवरेज ऑफ साइंस स्क्वायर ओमेगा टी बचेगा तो साइंस स्क्वायर ओमेगा टी राइट उसका एवरेज हम लोग फाइंड करेंगे तो एवरेज ऑफ साइंस स्क्वायर ओमेगा टी अब साइंस स्क्वायर ओमेगा टी की अगर बात करें तो बेसिकली उसका जो आंसर होगा राइट right? तो साइन में हम लोग अगर साइन की बात करें तो एक पर्टिकुलर ऑसोलेशन में राइट जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है राइट बट यहाँ पर स्क्वायर है स्क्वायर होगा तो जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव मिलेगा तो हमें दो पॉजिटिव मिलेंगे राइट तो एक ही पर्टिकुलर ऑसिलेशन में दो मिलेंगे राइट तो वन फुल उसका एवरेज निकालेंगे तो हाफ़ मिलेगा हाफ ऑसिशन्स क्योंकि यहाँ पर हमारा फुल ऑसिलेशन कम्प्लीट हो रहा है और दोनों ही पॉजिटिव होने की वजह से यहां पर हम लोग यहां पर लिख सकते हैं वन बाई टू तो उसका एवरेज यहां पर इतना ही मिलेगा हाफ ऑफ दैट राइट तो बेसिकली जो एवरेज है साइन स्क्वे ओमेगा टी राइट तो उस एवरेज की वैल्यू यहां पर इज इक्वल टू होगी वन अपॉन टू राइट ये एवरेज वैल्यू होगी वन बाय टू अब यहां पर मेन इक्वेशन में ये वैल्यू रखेंगे तो पी बार इज इक्वल टू टू और फिर आगे की फॉर्मूला आएगी आई एम स्क् राइट इंटू आर तो इस तरीके से एवरेज वैल्यू एवरेज पावर हम लोग फाइन कर सकते हैं राइट right? तो ये एवरेज पावर की फॉर्मूला होगी अब हम लोग यहाँ पर बेसिकली ग्राफ ड्रॉ करेंगे राइट right? तो वो जो ग्राफ है वो करंट वर्सेज ओमेगा टी का ग्राफ आएगा राइट right? तो करंट की जो वैल्यू है वो बेसिकली नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव में यहाँ पर चेंज होगी यहां पर आएगा आई एम नेगेटिव आई एम और यहाँ पर ऊपर पॉजिटिव आई एम लिखेंगे राइट right? तो मैक्सिमम से लेकर मिनिमम में करंट की वैल्यू यहाँ पर चेंज होती रहेगी तो अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ हमें इस तरीके से ग्राफ मिलेगा राइट right? तो ग्राफ बेसिकली जीरो से स्टार्ट होगा Pi पे अगेन उसकी वैल्यू जीरो होगी राइट उसके बाद टू पे अगेन उसकी वैल्यू जीरो होगी राइट एंड ये पर्टिकुलर बेसिकली जो एक्स एक्सिस है वो हमारा ओमेगा टी है राइट right? तो ये करंट वर्सेस ओमेगा टी का ग्राफ हो गया राइट right? अब हम लोग यहाँ पर बेसिकली आई आई आर एम एस फाइंड करेंगे तो आई आर एम एस मतलब कि रूट मीन स्क्वेयर राइट तो आर एम एस हफ करंट आई एंड वोल्टेज दोनों का हम लोग आर एम एस यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे तो पहले करंट का आर एम एस वैल्यू तो आई इज इक्वल टू अंडर रूट राइट देन एवरेज ऑफ स्क्वेयर तो ये हो गया रूट मीन स्क्वेयर ऑफ करंट राइट रूट मीन एंड स्क्वेयर तो दैट इज इक्वल टू अब इसको अगर लिखे तो जो एवरेज वैल्यू होगी उसका तो हाफ हो जाएगा तो यहां पर हम लोग लिखेंगे वन बाई टू इन टू आई एम स्क्वेर राइट अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफिकेशन में यहां पर हमें मिलेगा आई एम अपॉन रूट टू राइट एंड आई एम अपॉन रूट टू अगर इस वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे तो जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन इन टू आई एम मिलेगा राइट right? तो ये बेसिकली आई आर एम एस की वैल्यू हुई अब सिमिलरली हम लोग एवरेज पावर फाइंड करें राइट तो पी पी इज इक्वल टू पी आर एम एस मतलब कि एवरेज पी राइट रूट एंड स्क्वायर तो यहां पर कैंसिल हो जाएगा तो बेसिकली उसकी इक्वेशन क्या होगी वन अपॉन टू इन टू आई एम स्क्वेर राइट इन टू आर इज इक्वल टू अब आई जी एम स्क्वेयर अपॉन टू वो हो जाएगा आई स्क्वेर इंटू कैपिटल आर तो ये पावर की फॉर्मूला हो जाएगी अब सिमिलरली हम लोग आर एम एस ऑफ वोल्टेज फाइंड करेंगे राइट right? तो आर एम एस ऑफ वोल्टेज वी इज इक्वल टू अब जैसे करंट की वैल्यू जो हमें मिली करंट की फॉर्मूला जो भी हमें मिली वैसे ही वोल्टेज भी मिलेगा तो वी एम अपॉन रूट टू लिखेंगे राइट right? तो वी एम अपॉन रूट टू इज इक्वल टू अब उसकी वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो सेम मिलेगा जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन इन टू वी एम राइट तो ये बेसिकली उसकी फॉर्मूला होगी अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि वी एम इज इक्वल टू मतलब कि करंट आई एम इन टू रेजिस्टेंस राइट तो ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है अगर मैं फुल इक्वेशन को रूट टू से डिवाइड करूं जैसे कि वी एम अपॉन रूट टू राइट इज इक्वल टू आई आर एम एस इन टू रेजिस्टेंस कैपिटल आर तो वी इक्वल टू आई आर ये एक ओम्स लॉ हुआ राइट right? अब यहाँ पर अगर हम लोग हमारा जो डे टू डे लाइफ का जो हाउस होल्ड सर्किट है उसके सप्लाई का मैक्सिमम वोल्टेज अगर फाइंड करें राइट तो मैक्सिमम वोल्टेज की यहाँ पर फॉर्मूला में लिखूंगा वी एम एंड देन इज इक्वल टू वो फॉर्मूला हो जाएगी रूट टू इन टू कैपिटल बी राइट क्योंकि कैपिटल बी एक आर एम एस वैल्यू है तो अब वैल्यूज पुट करेंगे तो रूट टू की वैल्यू इन टू वॉल्टेज अब हाउस होल्ड सर्किट की जो वोल्टेज होती है वो बेसिकली टू ट्वेंटी वॉल्ट होगी राइट right? तो यहां पर मैं लिखूंगा V इज इक्वल टू टू ट्वेंटी वोल्ट राइट तो एज अ रिजल्ट हमारा जो आंसर मिलेगा मैक्सिमम करंट हाउस होल्ड सर्किट में तो वो हो जाएगा थ्री डबल वन वोल्ट राइट तो हाउस होल्ड सर्किट में जो मैक्सिमम वोल्टेज पॉसिबल है वो राइट पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज वो होगा होगी थ्री वोल्ट राइट और जो पावर लॉस है राइट right? तो पावर लॉस की जो दूसरी फॉर्मूला होगी वो होगी पी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर राइट अपॉन कैपिटल आर अब वी स्क्वेयर अपॉन कैपिटल आर को अगर दूसरे फॉर्म में भी अगर हमें लिखना हो तो वहाँ पर आ जाएगा करंट इन टू वोल्टेज राइट क्योंकि वी इज इक्वल टू आई आर है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ तो यहाँ पर लिख सकते हैं V इज इक्वल टू कैपिटल I इन टू कैपिटल आर राइट तो ये फॉर्मूला जो पावर की फॉर्मूला है ये बेसिकली अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने यहाँ पर डिराइव की राइट वी स्क्र अपॉन आर ये भी पावर लॉस की फॉर्मूला है एंड वी मल्टीप्लिकेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज अब यहाँ पर अगर हम लोग जब कोई भी वी और आई लिखे डायरेक्ट तो वो आर एम एस वैल्यू हो गई बाई डिफॉल्ट जैसे कि यहाँ पर वी है तो वो वोल्टेज का आर एम एस वैल्यू है जैसे कि यहाँ पर करंट है तो वो करंट का आर एम एस वैल्यू है वोल्टेज भी वोल्टेज है राइट right? तो ये था हमारा टॉपिक ए सी वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट को यहाँ पर डिफाइन किया अगला एग्जाम्पल नंबर सेवन पॉइंट वन लाइट बल्ब इज रेटेड हंड्रेड वॉट फॉर अ टू ट्वेंटी वॉल सप्लाई रेजिस्टेंस ऑफ दी बल्ब राइट तो यहां पर हम लोग पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है वो फाइंड करें तो फर्स्ट में यहाँ पर जो पावर दिया गया है वो पहले लिखेंगे डेटा के फॉर्म में राइट right? तो पी इज इक्वल टू हंड्रेड वॉट उसके बाद यहां पर हमारे पास वैल्यू है वोल्टेज की राइट right? तो जो वोल्टेज वैल्यू है वो है टू ट्वेंटी वोल्ट राइट उसके बाद यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है उसकी फॉर्मूला यहां पर अगर अप्लाई करे तो आर इज इक्वल टू बेसिकली होगा रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट वी स्क्वेर अपॉन पी इज इक्वल टू यहां पर 220 वोल्ट राइट right? उसका यहां पर क्या आएगा स्क्वेयर अपॉन पावर पावर की वैल्यू यहां पर है हंड्रेड राइट right? तो कैलकुलेशन करने के बाद यहां पर हमारा आंसर मिलेगा 484 ओम तो इतना रेजिस्टेंस होगा राइट right? बल्ब का उसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन फाइंड करेंगे सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द पीक वोल्टेज ऑफ दी सोर्स तो पीक वोल्टेज राइट तो पीक वोल्टेज ऑफ दोर्स राइट right? तो उसकी फॉर्मूला यहां पर लिखेंगे वो होगी वी एम इज इक्वल टू रूट टू इन टू आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू यहां पर वैल्यू होगी थ्री वन वन वोल्ट राइट एंड उसके बाद यहां पर थ्री लिखेंगे तो थर्ड जो है हमारा यहाँ पर क्या पूछा गया है वो देखेंगे फाइंड दी आर एम एस करंट थ्रू दी बल्ब तो आर एम एस करंट थ्रू दी बल्ब फाइंड करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे सिंस पावर पी इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज राइट अब करंट की वैल्यू जो है उसको हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई इज इक्वल टू पी पावर अपॉन वोल्टेज राइट पी अपॉन वी लिखेंगे तो इज इक्वल टू पी तो वो हो जाएगा हंड्रेड वाट अपॉन जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू है यहाँ पर 220 वोल्ट तो 100 वाट अपॉन 220 ट्वेंटी वोल्ट इज इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट फोर फाइव फोर राइट एम तो ये बेसिकली जो करंट है राइट right, सर्किट मतलब के बल्ब के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है और ये जो करंट है वो बेसिकली आरएमएस वैल्यू है उसके बाद अगला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सी करंट एंड वोल्टेज बाय रोटेटिंग वेक्टर्स फेजर्स तो यहाँ पर बेसिकली वोल्टेज और करंट का रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है राइट तो वोल्टेज और करंट दोनों ही साइन फंक्शन पे डिपेंडेंट है राइट साइन फंक्शन पे डिपेंडेंट होना मतलब कि दोनों जीरो टाइम से जीरो से स्टार्ट होंगे राइट जैसे कि यहाँ पर दिखाया है दोनों एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं राइट ओके okay, अब यहाँ पर जो करंट है उसकी लेंथ यहाँ पर दी गई है और वोल्टेज है उसकी लेंथ दी गई है इसको जनरली हम लोग बोलते हैं फेजर डायग्राम राइट फेजर डायग्राम ऑफ वोल्टेज एंड करंट अब फेज़र डायग्राम के हिसाब से जो करंट है उसकी वैल्यू यहाँ पर कम है और वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है तो वोल्टेज वी एम उसकी वैल्यू करंट आई एम की वैल्यू से ज़्यादा होगी यहाँ पर इस ग्राफ से भी हम लोग देख सकते हैं जो पीक वैल्यू है वोल्टेज का वो करंट के पीक वैल्यू से ज़्यादा है राइट right? तो यहाँ पर आई एम और वी एम उसको हम लोग पीक वैल्यू बोलेंगे जैसे कि आई एम है करंट की पीक वैल्यू है और वी एम वोल्टेज की पीक वैल्यू है राइट right? दूसरी चीज़ कि दोनों एक साथ यहाँ पर जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों एक साथ अपनी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँच रहे हैं दोनों एक साथ वापस जीरो पे पहुंच रहे हैं right? राइट तो दोनों एक साथ मैक्सिमम हो रहे हैं दोनों एक साथ मिनिमम हो रहे हैं दोनों एक साथ जीरो भी हो रहे हैं इसका मतलब कि यहाँ पर जो फेज एंगल होना चाहिए राइट right? फेज एंगल बिटवीन वी एंड आई इज जीरो राइट फेज एंगल यहां पर बेसिकली जीरो मिलेगा हमें तो यहां पर दोनों ही साइन हार्मोनिक फंक्शन पे डिपेंडेंट है एंड सेकेंड चीज कि यहाँ पर जो ओमेगा है वो बेसिकली एंगुलर फ्रीक्वेंसी है कि उस फ्रीक्वेंसी से दोनों फंक्शंस रोटेट हो रहे हैं राइट तो हमारा अगला टॉपिक है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर राइट तो सर्किट कुछ इस तरीके से दी गई है राइट तो यहाँ पर एक्सटर्नल पावर सप्लाई राइट गिवन टू इंडक्टर Right? तो तब जो एक्सटर्नल सप्लाई जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो उसकी फॉर्मूला होगी राइट टोटल जो अगर वोल्टेज हम लोग कैलकुलेट करें तो सर्किट का वो जीरो हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन यहाँ पर मेन सप्लाई माइनस इंडक्टर का वोल्टेज एल डी आई बाई डी टी आएगा इज इक्वल टू जीरो राइट अब डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी अपॉन एल बेसिक फॉर्मूला है राइट तो यहाँ पर इस इक्वेशन में से डी आई अपॉन डी टी को सब्जेक्ट बनाया तो वी अपॉन एल मिलेगा अब जो वी की फॉर्मूला है वो होगी वी एम साइन ओमेगा टी अपॉन एल एस इट इज अब हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू तो टाइम तो इंटीग्रेटिंग डी आई अपॉन डी टी इन टू डी टी इज इक्वल टू वी एम अपॉन एल इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी तो यहाँ पर बेसिकली इंटीग्रेशन किया वी एम अपॉन एल कॉन्स्टेंट है इसीलिए वो इंटीग्रेशन के बाहर है राइट अब यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी आई वो हो जाएगा आई इज इक्वल टू साइन का इंटीग्रेशन होगा कॉस एंड एक कॉन्स्टंट लेके आएगा तो यहाँ पर साइन का इंटीग्रेशन बेसिकली माइनस कॉस होगा इसीलिए माइनस बाहर तो माइनस वी एम अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी प्लस कॉन्स्टंट अब माइनस कॉस ओमेगा टी बेसिकली माइनस कॉस ओमेगा टी उसको हम लोग चेंज करें फंक्शन को तो वो साइन में कन्वर्ट हो सकता है तो माइनस कॉस बिकम साइन ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस फाइव बाई टू राइट तो अब माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह पर हम लोग साइन ओमेगा टी माइनस फाइव बाई टू लिख सकते हैं तो हमारी न्यू फॉर्मूला यहाँ पर हमें लिखी हुई है आई इज इक्वल टू आई एम साइन ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस फाइव बाई टू राइट उसके बाद यहाँ पर है आई एम राइट तो आई एम इज इक्वल टू मतलब कि मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू वी एम अपॉन ओमेगा एल राइट तो यहाँ पर बेसिकली जो ओमेगा एल है वो हमारा कैपेसिटिव कैपेसिटी uh, नहीं इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा राइट right? तो उसको एक्सेल से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे Excel मतलब के इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस की फॉर्मूला होगी ओमेगा इनटू इंडक्टेंस राइट तो जो मैक्सिमम करंट की फॉर्मूला है वो हो जाएगी वी एम अपॉन एक्सएल राइट क्योंकि ओमेगा एल की जो वैल्यू है जो फॉर्मूला है वो हमने यहाँ पर रख दी तो आई एम इज टू वी एम अपॉन एक्सेल होगा अब ग्राफ की बात करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फेजर तो यहाँ पर ग्राफ जो हमें मिल रहा है वो थोड़ा सा अलग अलग मिल रहा है क्योंकि जो करंट है वो वोल्टेज से पाई बाय टू जितना पीछे है राइट क्योंकि जो करंट की फॉर्मूला है उसमें जो फेज है उसमें माइनस पाई बाय टू आता है राइट तो यहाँ पर करंट लेग्स बिहाइंड दी वोल्टेज, राइट ऐसा हम लोग यहाँ पर सेंटेंस लिख सकते हैं राइट अब यहाँ पर जो करंट है वो बेसिकली पाई बाई टू फेज जितना पीच है तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा करंट एंड वोल्टेज एज़ यूजुअल वो साइन फंक्शन पे डिपेंड करता है तो एज यूजुअल इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा तो वोल्टेज का जो फेजर डायग्राम है वो हमें पॉजिटिव में मिलेगा और करंट का जो फेज़र डायग्राम है वो हमें नेगेटिव में मिलेगा तो बेसिकली ये हमारा वोल्टेज का जो वैल्यू है वो हो जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी वन एंड सिमिलरली करंट की जो फॉर्मूला है वो हो जाएगी आई एम साइन ओमेगा टी वन माइनस पाई बाई टू राइट तो ये डिफरेंस आता है जब कभी भी फेज डिफरेंस होता है तब उसके बाद हम लोग पावर की बात करेंगे कि पावर सप्लाई टू द इंडक्टर राइट right? तो पावर पी एल इज इक्वल टू आई इन टू भी पावर की बेसिक फार्मूला है अब जो करंट की फार्मूला है वो रखेंगे और सिमिलरली वोल्टेज की फार्मूला रखेंगे तो आई एम वी एम आ जाएगा एंड जो ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है वो चेंज होकर माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा तो माइनस आगे लिखा और कॉस ओमेगा टी यहाँ पर साइन ओमेगा टी एज इट इज राइट तो बेसिकली कॉस साइन तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और टू से डिवाइड कर रहे हैं तो टू कॉस साइन वो हो जाएगा साइन टू ओमेगा टी और ये टू बचा रहेगा राइट तो ये बेसिकली पावर जो सप्लाई करते हैं इंडक्टर को उसकी फॉर्मूला हो गई अब यहाँ पर एवरेज पावर साइकिल की ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर प्रोसेस एक साइकिल में एवरेज पावर कितना होगा वो फाइंड करेंगे तो पी एल और पूरी इक्वेशन का एवरेज ले लेंगे राइट तो आई एम वी एम अपॉन टू तो कॉन्स्टेंट है और नेगेटिव वो भी बाहर निकल जाएगा तो सिर्फ एवरेज लगेगा साइन टू ओमेगा टी का राइट तो एवरेज ऑफ साइन टू मेगा टी वो बेसिकली ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि साइन के फंक्शन में जितना पोर्शन हमें पॉजिटिव में मिलेगा उतना ही पोर्शन नेगेटिव में भी मिलेगा इसीलिए वो ज़ीरो हो जाएगा तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं दी एवरेज पावर सप्लाइड टू एंड इंडक्टर ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज ज़ीरो जो एवरेज पावर है वो पर्टिकुलर एक साइकिल में हमें ज़ीरो मिलेगा क्योंकि पावर भी जितना पॉजिटिव फॉर्म में होगा उतना ही नेगेटिव फॉर्म में मिलता है एक पर्टिकुलर साइकिल में राइट right? तो ये थी हमारी थियरी एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर राइट अब हम उसको उसके कॉन्सिक्वेंसिस देखेंगे जब कभी भी जो ऑब्जेक्ट है राइट right? वो इंडक्टर के अंदर रखेंगे तो उसपे तो उस पर क्या चेंजेस आएंगे वो यहाँ पर बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे अब यहाँ पर जो जीरो टू वन जो फर्स्ट इनिशियल सिचुएशन है राइट right? वो कुछ इस तरीके से जो करंट है राइट right? वो एंटर हो रहा है कॉइल के अंदर तो बेसिकली ए में करंट इंक्रीज होगा अब यहाँ पर करंट इंक्रीज होने के कारण जो फ्लक्स है वो भी बढ़ता चला जाएगा तो उसके कारण जो उसका कोर है अंदर की जो साइड है वो मैग्नेटाइज होती चली जाएगी राइट right? तो यहाँ पर जो वोल्टेज और करंट दोनों की जो पोलारिटी है वो पॉजिटिव होगी राइट right? सो so इसीलिए यहां पर पावर करंट और वोल्टेज की वजह से वो भी पॉजिटिव मिलेगा तो यहाँ पर क्या होगा एनर्जी इज एब्जॉर्ब फ्रॉम दी सोर्स एनर्जी बेसिकली एब्जॉर्ब होगी किसके फॉर्म में एब्जॉर्ब होगी तो जो कोर मैग्नेटाइज हो रहा है उसके फॉर्म में अब जाएंगे आगे वन टू टू सिचुएशन में राइट right? उसके आगे की सिचुएशन में अब यहाँ पर जो है करंट वो पॉजिटिव है अभी भी बट वो डिक्रीज हो रहा है करंट पॉजिटिव तो है बट वो डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर जो कोर है वो डी होगा पहले मैग्नेटाइज हुआ अब उसका मैग्नेटिज्म वैनिश होना स्टार्ट करेगा राइट और जो नेट फ्लक्स है वो जीरो हो जाएगा राइट अब यहां पर ये जो सिचुएशन है है वो हाफ हाफ साइकिल साइकिल तक की है, तो पे जो नेट फ्लक्स है वो जीरो हो जाएगा तो वोल्टेज नेगेटिव राइट और वोल्टेज नेगेटिव होने की वजह से जो प्रोडक्ट है वोल्टेज और करंट का वो नेगेटिव हो जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि इस सिचुएशन के में पावर नेगेटिव मिल रहा है राइट तो पावर नेगेटिव एनर्जी इज बीइंग रिटर्न टू सोर्स एनर्जी फिर से सोर्स को वापस मिल रही है राइट right? उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे आगे टू टू थ्री साइकिल है राइट right? तो थर्ड सिचुएशन में करंट यहाँ पर नेगेटिव बन गया अभी करंट की डायरेक्शन कम्प्लीटली चेंज हो गई पहले के कंपेरिजन में अब यहाँ पर करंट बी से एंटर हो रहा है और ए से बाहर निकल रहा है राइट right? तो करंट कंप्लीटली चेंज होने की वजह से जो मैग्नेट्स की पोलरिटी है वो भी चेंज हो गए पहले यहाँ पर नॉर्थ था यहाँ पर साउथ था अब यहाँ पर साउथ हो गया यहाँ पर नॉर्थ हो गया राइट right? तो यहाँ पर करंट और वोल्टेज दोनों ही नेगेटिव मिल रहे हैं अगर दोनों ही नेगेटिव मिलेंगे तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ पर पावर पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर से एनर्जी एब्जॉर्ब होगी क्योंकि पावर पॉजिटिव मिल रहा है राइट right? और लास्ट सिचुएशन में जो करंट है वो वापस डिक्रीज हो रहा है जीरो पे पहुंचेगा राइट right? तो उसका जो कोर है वो डीमैग्नेटाइज होगा और फ्लक्स वापस जीरो हो जाएगा तो इस टाइम पे वोल्टेज पॉजिटिव है बट करंट नेगेटिव है तो उन दोनों का प्रोडक्ट बेसिकली नेगेटिव ही मिलेगा राइट right? तो पावर नेगेटिव मिला तो एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी राइट वन बाय फोर पे एंड टू थ्री इज रिटर्न टू दोर्स राइट तो यहाँ पर हम लोग जो एनर्जी है वो वापस सोर्स को मिल जाएगी अब ग्राफ की अगर बात करें राइट तो यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है राइट V वर्सेस I, मतलब V-I एंड फ्लक्स तीनों का एक ही पर्टिकुलर बॉक्स में ये ग्राफ दिया गया है राइट तो यहाँ पर जो वॉल्ट है वो डिक्रीज हो रहा है यहाँ से आगे जा रहा है राइट उसके बाद करंट है वो साइन फंक्शन को फॉलो करता है ज़ीरो से स्टार्ट हुआ और फिर आगे बढ़ रहा है राइट और जो फ्लक्स है वो भी साइन फंक्शन को फॉलो कर रहा है और बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ पोलारिटी दी गई है राइट पावर पॉजिटिव यहाँ पर पावर नेगेटिव राइट ये पावर का वैल्यू है पावर का साइन है क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव हो गए तो पॉजिटिव मिलेगा कोई एक यहाँ पर नेगेटिव है कौन नेगेटिव है वोल्टेज नेगेटिव है इसकी वजह से पावर भी नेगेटिव मिला राइट फिर आगे यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव है वोल्टेज और करंट तो इसीलिए पावर पॉजिटिव मिला राइट और फिर से यहाँ पर जो करंट है वो नेगेटिव मिला वोल्टेज पॉजिटिव बट पावर दोनों का प्रोडक्ट होने की वजह से वो यहाँ पर नेगेटिव मिल रहा है राइट तो ये थी पर्टिकुलर सिचुएशन जब एसी वोल्टेज हम लोग इंडक्टर को अप्लाई करते हैं तब की उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्योर इंडक्टर ऑफ 25 फाइव मिली हैंनरीज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 ट्वेंटी वोल्ट फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड आर एम एस करंट इन द सर्किट इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज फिफ्टी हर्ट्स राइट तो पहले तो इंडक्टर दिया गया है right? राइट फिर सोर्स वोल्टेज दिया गया है राइट एंड फ्रीक्वेंसी दी गई है तो हमें फाइंड करना है इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड आर एम एस करंट इन सर्किट दो चीज़ हमें फाइंड करनी है राइट right? तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे इंडक्टिव रिएक्ट अब जो इंडक्टिव रिएक्टन्स है उसकी फॉर्मूला यहां पर लिखेंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की फॉर्मूला है एक्सेल एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा राइट तो ओमेगा ओमेगाइल बेसिकली ओमेगा मतलब कि टू पाई न्यू तो यहां पर आएगा टू पाई इंटू न्यू राइट टू पाई न्यू इंटू एल तो इज इक्वल टू अब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ पर इज इक्वल टू पहले आएगा टू इंटू पाई की वैल्यू होगी थ्री पॉइंट फोर्टीन इंटू फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर होगी फिफ्टी एंड इंडक्टन्स तो इंडक्टन्स की वैल्यू है ट्वेंटी फाइव मिली हैं मिली हेनरी मतलब के टेन रेश टू माइनस थ्री राइट अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो कैलकुलेशन में हमारा आंसर यहां पर मिलेगा सेवन पॉइंट एट फाइव ओ तो ये हमें मिला इंडक्टिव रिएक्टेंस अब हम लोग दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे तो दूसरी वैल्यू आज है वो है आर एम एस करंट तो आर करंट राइट इन दी सर्किट तो आर एम एस करंट की फॉर्मूला है बेसिकली आई इज इक्वल टू ये आर एम एस फॉर्मूला है तो यहाँ पर वोल्टेज भी आर एम एस होगा वी आर एम एस अपॉन एक्सएल राइट तो वी अपॉन एक्सएल अब हम लोग बेसिकली वैल्यूज पुट करेंगे तो वोल्टेज यहाँ पर है टू ट्वेंटी वोल्ट अपॉन एक्सेल एक्सएल की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की वो है सेवन पॉइंट एट फाइव ओमेगा अब इन दोनों का यहाँ पर रेशियो हमें मिलेगा ट्वेंटी एट एम तो ये हमें मिला आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट राइट इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड किया उसके बाद आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट फाइंड किया तो फ्रेंड्स लाइक आवर वीडियोज शेयर आवर वीडियोज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स इफ यू हैव एनी डाउट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग